ये सरकार बहुत ज्यादा दिन तक नहीं चलेगी क्योंकि यह बेमेल विवाह है। देख रहे हैं नेशन न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के एक फैसले को लेकर, या फिर यूं कहे कि बिहार सरकार के एक फैसले को लेकर बिहार की सियासत का पारा चढ़ा हुआ है। दरअसल ये फैसला लिया गया है कि बिहार के जो मंत्री हैं, बिहार सरकार के जो मंत्री हैं, वो परिभ्रमण नहीं करेंगे। इस फैसले को लेकर कई तरह की बातें सामने आ रही, ये भी कहा जा रहा है कि ये मैसेज देने की कोशिश है कि देखिए मंत्री भी बिहार सरकार के लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं तो आम लोग भी करें। लेकिन इसको लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं और सवाल जेडीयू के सहयोगी बीजेपी भी उठा रही है और सवाल सीएम नीतीश कुमार के कट्टर राजनीतिक दुश्मन चिराग पासवान की पार्टी भी उठा रही है। आज एक खबर आई कि बीजेपी की वर्चुअल बैठक में यह मामला उठा और बीजेपी के विधायकों सांसदों ने अपनी नाराजगी जताई। अब इस पूरे मामले को लेकर प्रतिक्रिया आ गई है लोक जनशक्ति पार्टी की। लोक जनशक्ति पार्टी ने इसको लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है और क्या कहा है लोजपा के प्रदेश प्रवक्ता कृष्ण कुमार कल्लू ने, आप सुनिए। आज बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी की तानाशाही के वजह से भारतीय जनता पार्टी के सांसदगण, बिहार सरकार के मंत्रीगण, विधायकगण नाराज दिख रहे हैं। नीतीश कुमार की गलत फरमान की वजह से लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी ने अस्पष्ट उन्होंने कहने का जो कार्य किया था कि यह सरकार बहुत ज्यादा दिन तक नहीं चलेगी क्योंकि यह बेमेल विवाह है। बेमेल विवाह का मतलब तो आप समझते ही हैं, लड़का का उम्र इसमें 74 वर्ष है और लड़की का उम्र 43 वर्ष, तो कहीं ना कहीं अगर 2-4 का अंतर हो तो चल सकता है। बहरहाल यहां तो अंतर 30-32 का है ना भाई, तो कैसे चलेगा? क्योंकि लड़का बहुत अनुभवी है, कार्य करने का उसका क्षमता है, देखने में अच्छा है, तो कहीं ना कहीं कैसे दोनों में पटरी खाएगा भाई, तो टूटना दम निश्चित है। उसके साथ साथ लड़की पक्ष के जो लोग हैं वो लोग भी कहीं ना कहीं अपने लड़की को दोषी ठहरा रहे हैं उनके जिद्दी रवैये के कारण। चूंकि नीतीश कुमार जी जो है तानाशाही और जीत के कारण पूरे बिहार ही नहीं पूरे देश में प्रचलित हैं। आज बिहार में जो स्थिति है स्वास्थ्य व्यवस्था की, लगता है कि स्वास्थ्य विभाग की तो बद से बदतर हालत है, तो लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी ने बिहार विधानसभा चुनाव के वक्त उन्होंने स्पष्ट किया था, स्पष्ट बोलने का उन्होंने कार्य किया कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाकर हम लोग बिहार की आवाम की सेवा करेंगे। जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट यात्रा पर निकले तो उन्हें बिहार की आवाम ने राज्य सरकार के किए हुए अधिरी कार्य को उन्होंने अवगत कराया। जब उस कार्य को राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय ने सीएम को अवगत कराया तो उन्होंने उन्हें कालीदास से लेकर के सूरदास तक कहलवाने का कार्य किया और लोजपा को नीचा दिखाने का कार्य किया। और आज पूरा मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि यह गठबंधन एक महीना के भीतर टूट जाएगा क्योंकि बेमेल विवाह जो है कभी सफल नहीं होता है। चूंकि लड़का बहुत अनुभवी है, संस्कारिक है, कार्य करने का उसे क्षमता है।